चैन से सोने तो जाग जाए, क्योंकि आज का वीडियो है BTS वीडियो ऑफ विनायत। एंड विनायत को आपने इतना पसंद किया, आई होप आपने पसंद किया हो। एंड जैसे आपको दिख रहा है मैं कहाँ पे हूँ, अगर नहीं पता तो वो आपको बताएगी। मैं सो गाइस, हम आए आपके खूबसूरत शहर उदयपुर। एंड मेरा कब से मन था उदयपुर आने का, एंड फाइनली आई एम हियर। एंड व्हाट बेटर ओकेजन देन शूटिंग आर वेरी दिल के करीब गाना इनायत इन दिस ब्यूटीफुल शहर। एंड आई होप आप लोगों को गाना बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो BTS आप देख ही रहे होगे, मुझे पता है। तो कमेंट्स भर दो जल्दी से, 50 के कमेंट्स जल्दी, मुझे पता है आप कर दो। लव यू, चुमी। मैं चाहता हूँ पहले आप BTS के देखो रिएक्शन, डैम फैम का जो हमारी फैमिली ने जो रिएक्शन दिया है इनायत को, तो मैं चाहता हूँ पहले आप वो देखो। एंड अगर आपने इनायत नहीं देखा अभी तक जाकर, तो क्या करो, जाके इनायत देखो पहले और उसका रिएक्शन देखो। एंड BTS आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा मैं, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा फन किया था सेट्स पर। एंड शूट बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू था, शूट बहुत ही गोरिल्ला था, हम लोग ने स्ट्रीट्स पर शूट किया उदयपुर के, तो वो आपको वीडियो के एंड में मालूम पड़ेगा। पहले आप रिएक्शन देखो। मेरी ये दोनों आंखें ढूंढे तुझी को ऐसे जैसे है तुझसे ही अब वास्ता। तू ही ना तेरे मेरे दरमियाँ यूं चाहूं, फिर भी न जाने क्यों है फासला। पर ना मेरी है जमीन ना मेरा आसमां, मैं जाऊं जहां भी मैं देखूं तुझे कैसा नशा सा छे, जुड़ी तुझी से हर ख्वाहिश मेरी इनायत तू। ये कहती है तू ना है कोई परी, मगर मुझको तो जन्नत तेरा घर लगे। तो जैसे कि आपने देखा पूरा का पूरा डैम फैम कितना एक्साइटेड था इनायत को लेकर। एंड ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी। एंड आई होप आपको भी पसंद आया हो। बिफोर मूविंग अहेड टू द BTS ऑफ इनायत, मैं आपको एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जो मुझे सेट पर बहुत हेल्प किया। सो दिस इज द लॉरियल पेरिस 1.5% हाइलुरोनिक एसिड सीरम। ये सीरम स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जो स्किन के मॉइस्चर टेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्किन में एक ऐसे मॉलिक्यूल होता है जो वाटर रिटेन करता है, एंड दिस सीरम हेल्प्स लॉकिंग द मॉइस्चर इन द स्किन। दिस प्रोडक्ट इज रियली सिंपल टू यूज, एंड आपको पता है कि मुझे सिंपल प्रोडक्ट्स यूज करना कितना पसंद है। बस 3-4 ड्रॉप्स लो अपने हाथ में और उसको अपने स्किन में अप्लाई करो। इट डज नॉट हैव अल्कोहल, फ्रेग्रेंस और पैराबेन्स, making it suitable for all skin types. आश्रय उन्नति भी कब कोई सीरम अप्लाई करते हैं तो वो ऐसे ही अपवर्ड मोशन में अप्लाई करते हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी ऐसे ही लगाता हूँ। सो ये प्रोडक्ट स्किन की रेडियंस 42% इंक्रीज करता है, एंड स्किन को हाइड्रेटेड और रेडिएंट रखने में भी हेल्प करता है ड्यू टू द करेक्ट अमाउंट ऑफ HA व्हिच इज नॉट डाइल्यूटेड। और एक और खास बात ये प्रोडक्ट की ये है कि ये स्किन में इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, तो कुछ गीला या चिपचिपा फीलिंग नहीं होता। प्रोडक्ट जो है मार्केट में 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, पहला 15 ml जो 499 में है, एंड सेकंड 30 ml जो 999 में है। तो मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, मेरे को ये प्रोडक्ट ने बहुत ज्यादा हेल्प किया, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है। आई विल सजेस्ट कि आप लोग भी ये खरीदिए। तो नेक्स्ट मैं अपने बाल बनाता हूँ। जस्ट किडिंग। Who's this pretty lady? तो गाइस अभी हम लोग उठ गए 5 बजे, बट बहुत नींद में थे। पाँच बजे उठ गए थे मैं उठ गए थे मैं अभी 7 हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट शॉट की तैयारी। डेनी
सो गाइस दिस इज डे वन एट द शूट एंड हमारा काफी सारे शॉट्स हो चुके हैं, बहुत प्यारे शॉट्स आए हैं। ऑफ कोर्स आपने वीडियो में देख लिया होगा अब तक क्योंकि ये बीटीएस वीडियोस के बाद जाने वाली है, बट गॉर्जियस शॉट्स आए हैं। पीछे डेन खड़ा है बेचारा, उसको पता नहीं वो वीडियो वो आ रहा है, और तंजील का भी होना थोड़ा टच अप, लेट मी शो यू। गाइस हाउ डज इट फील टू फेक लाफ? बहुत हंस हंस के थक गए हैं, थक गए हैं, हमारी हंसी खत्म हो चुकी है और टांगे भी टूट चुकी है, हर जगह भाग, हम पूरा उदयपुर भागे हैं गाइस। मैं लेती हूँ रोकड़ा पे पैसा ही होता है, रोकड़ा पैसा ही होता है। मैं लेती हूँ तो क्योंकि हाँ ऐसा है कि आशी हर शॉट में बहुत इम्प्रोवाइज कर रही है तो उसको तारीफ मिल रही है, तो आशी ने बोल दिया तो हमारे डायरेक्टर साहब है साथ में, उन्होंने हमको बोला कि आप गरीब हो बहुत ज्यादा, उदयपुर में घूम रहे हो, तो उन्होंने हमारे 10 आउटफिट रिजेक्ट कर दिए क्योंकि बहुत ओवर लग रहे थे। सर देखो इधर आइए, आप इधर आइए, आपसे बात करनी है। ऐसा ऐसा क्यों चाहते हो आप, क्या दुश्मनी है आपके हमारे से? उसको वो आपसे बहुत नाराज है क्योंकि उसको जब पता था कि इंडियन कर रहा था उसको दिमाग में आया था बहुत ज्यादा सूट्स एंड बट जो भी अच्छा लग रहा है अभी तक। बट रोज रात शादी नहीं होती ना, ये भी बात सही है। बारात एक ही बार निकल गई है, ये भी बात सही है। यू वोक अप वे टू अर्ली यस्टरडे फॉर अ पार्ट टाइम ना? आई वोक अप एट 5 एएम एंड वी स्लेप्ट एट 2:30 एएम। ये तुम 12 बजे उठे थे ना कॉल टाइम के लिए? ओह गाइस, हमने कल बहुत जल्दी, हमें बहुत नींद आ गई थी तो हम लोग बहुत जल्दी सो गए थे, आई थिंक अराउंड 10:30-11 वी स्लेप्ट एंड मेरी एकदम से आंख खुली 12 बजे और मुझे ऐसा लगा सुबह हो गया। मैंने फ़ोन चेक किया, मुझे किसी का कॉल नहीं आया, तो मैं जी क्या वो सब सोए पड़े लगता है, सबको डांटूंगी मैं। लेकिन फिर जब मैं नहाने के लिए फटफट उठी, फिर मैंने पर्दे के बाहर देखा तो अंधेरा था, इसका मतलब मुझे सोते हुए सिर्फ एक घंटा हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मैं दो दिन से सो रही हूँ। तो उतनी थकान थी हम लोग को कल, बिकॉज हम यहाँ पे बहुत वॉकिंग चले हैं, बिकॉज छोटी छोटी गलियाँ हैं, तो जैसे आपने देखा होगा पूरे बीटीएस में और वीडियो में भी, तो बहुत गलियाँ गलियाँ हैं उदयपुर में, तो हमें बहुत वॉकिंग चलना पड़ा, तो इसके लिए हमारी टांगें टूट गई थी और ऊपर से फ्लैट्स में टांग ज़्यादा दर्द होती है, तो मैं टांगें टूट के अलग होती थी शरीर से, गुड बाय, तो उसकी वजह से हम बहुत थक चुके थे। मेरी ये दोनों आंखें ढूंढे तुझी को ऐसे जैसे है तुझसे ही अब वास्ता। मुझसे ही काम करा रहे हैं। मैं आर्टिस्ट हूँ कि क्या? नकली पेपराजी क्या करे, देखो हमारी पेपराजी चले गए, पेपराजी हो गए, वापस आ गए। अच्छा, मैं बोलना चाहूंगा ये जो गाना है मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं बोलना चाहूंगा सबको, पूरी आवाम को, कि जो भी गाना सुने आगे भी सुने, अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, और ढूंढे तू जी को ऐसे जैसे तुझसे वास्ता। सो गाइस कैसा लगा तुमको उदयपुर? सो अगर मैं बोलूँ तो मैं राजस्थान बहुत बार आया हूँ, मेरा बचपन एक्चुअली राजस्थान में गुजरा है, बट उदयपुर थोड़ा मतलब काफी डिफरेंट एक्चुअली, मतलब वाइब वाइज तो सिमिलर है राजस्थान ऑल ओवर, बट उदयपुर के लोग बहुत ज्यादा स्वीट है एंड नॉट रिक्शे वाले, ठीक है, बाकी लोग बहुत ज्यादा स्वीट है एंड बहुत रिक्शा आवाज है, तो मतलब मेरा बहुत अच्छा टाइम गया, दो दिन हुआ अभी उदयपुर में हमको एंड अभी तक बहुत बढ़िया रहा है, सो फार सो गुड। मेरा अभी बहुत टाइम से मन था उदयपुर आने का, हम लोग कितनी बार डिस्कस कर रहे हैं कि प्लीज उदयपुर चल रहे हैं, बट हमारा कभी बन नहीं पाया, एंड फाइनली दैट वी आर इन उदयपुर, आई एम लविंग द प्लेस, इतना कल्चरल, मुझे हमेशा से कल्चरल और इंडियन एथनिक मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है, और यहाँ पे वो कूट कूट के भरा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड हमारे शूट लोकेशन से बहुत प्रीटी गॉर्जियस थे, आपने देखा ही होगा, सो यस इट वॉज वेरी वेरी अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। तो आउटफिट्स कैसे लगे शूट के? आई एम अ बिग 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 इंडियन फैन, और मुझे तो ऐसा लगता है मेरे को जब सूट पहनने मिल जाए मैं बहुत खुश होती हूँ, और मैंने तो सपना तंजील को भी मैंने 100 बार बताया है कि मेरे को इसको इंडियन करना था, एक वीडियो म्यूजिक वीडियो और एक खेत में करना है, खेत में भागना है मुझे, सरसों के खेत में, वो मेरी नेक्स्ट चेकलिस्ट है, बट सूट इज सूट तो मुझे बहुत पसंद है, और ये थोड़े ज्यादा ही मतलब बहुत सिंपल है, कुछ मतलब नो वर्क नथिंग है, उसके बावजूद इतना प्यारा दिख रहा है, तो मुझे बहुत पसंद आया। तो ये हवेली वबेली ले को एक कैसा लगा?
हवेली तो हवेली जो मेरी थोड़ी जान में बसती है, बहुत पसंद है हिस्ट्री जानना, मतलब क्या रहता था, कैसे किंग्स वहाँ रहते थे, उनके जो सर्वेंट्स होते थे वो कैसे रहते थे, उनका फैसिनेटिंग है वो सब जानना. तो आई एम लाइक, तो मुझे हवेली इसलिए बहुत पसंद आती है कि मतलब एक्चुअल हेरिटेज जहाँ पे एक्चुअली लोग रहते थे, दिस इज द प्लेस, मतलब कोई चेंज नहीं कोई, वो तो बहुत ही सुंदर लगता. तो मुझे बहुत पसंद है हवेलियाँ, बट जब मतलब पहले पसंद थी जब तक मैंने भूल भुलैया नहीं देखी थी, उसके बाद थोड़ा मुझे रात में ही पसंद, दिन में बहुत अच्छी लगती है फोटो. रात में थोड़ा डर लगता है समुद्र की तरह, समुद्र भी रात में सर्च कर. जगा रहा तेरी यादों में मैं, जाऊं जहां वहां पाऊं तुझे, जुड़ी तुझी से हर ख्वाहिश है मेरी इनायत तू. तो उदयपुर एक खास बात है, हर हर होटल से हर जगह से लेक दिखते हैं. खास बात है मैं कि मैं हूं होटल में, मैं अभी तक एक भी ऐसा होटल देखा नहीं, मतलब मैं दो तीन होटल ही गया अभी तक, लेकिन ऐसा एक भी होटल नहीं जो मतलब सर नॉर्मल या एवरेज है, सारे एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इंटरव्यू सबके बहुत अच्छे तो बहुत अच्छे है, तो बहुत अच्छे है. और हर हर जगह से, हर जगह से दिखता है हमें लेक, और एक फाउंटेन की आवाज़ आ रही है, लेक मच बन रहा है इसको. तो फाउंटेन की आवाज़ नहीं है गाइस, समझ रहे हो पीछे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सुसु हर जगह लेक है. हम कल खाने में बैठते लंच में, वहाँ पे भी लेक, लेक है. शीशे में भी लेक, और वो तो बहुत ही सुंदर था, बहुत सुंदर था. क्या नाम था उसका, रेनबो रेस्टोरेंट कुछ भी, रेनबो रेस्टोरेंट, रेनबो ही नाम, रेनबो नाम था. तो उसका नाम कुछ और था वैसे, बट उसको याद नहीं, कोई बात नहीं. तो वो बहुत प्रिटी था, और यहाँ से भी हमें लेक दिख रही है, पानी उसमें लोग नहाते हुए भी दिख रहे हैं. लोगों के घर में लोगों ने अपने वॉशरूम डिस्कार्ड कर दिए, क्योंकि बोल रहे हैं लेक, बोल रहे हैं सिटी ऑफ लेक्स, इसलिए यहाँ का पता है, यहाँ के जस्टिफाई होकर सिटी ऑफ लेक्स ही कहते हैं उदयपुर को, लेक्स ही लेक्स. ये इंडिया का वेनिस टाइप है, वेनिस है, बहुत पानी है, वेनिस, और पानी ही पानी, सही बात, गॉर्जियस. चढ़ी है तू कुछ अब यूं मेरे, बात तेरी गलत भी अब सही लगे, कहती है तू ना है कोई परी मगर, मुझको तो जन्नत तेरा घर लगे. तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड आई नो कि मैं बहुत गैप्स लेकर कर रहा हूँ वीडियोस, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि म्यूजिक वीडियो बनाना बहुत इजी और ओवरहेड काम नहीं होता, तो मतलब टाइम लग जाता है, बट आई प्रॉमिस यू कि मैं म्यूजिक वीडियोस के अलावा भी नॉर्मल चैलेंजेस और व्लॉग्स वगैरह भी कंटिन्यू रखूंगा. सो जिससे मतलब महीने में सिर्फ एक वीडियो ना आए. टिल देन कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बहुत अच्छे अच्छे गाने आना बाकी है. थैंक यू, ऐसे ही प्यार बरकरार रखो, एंड थैंक यू फॉर लविंग.